हेलो पोकेमोन ट्रेनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा अपने इवेंट की तरफ। और ये हमारा जो इवेंट है स्पेस टाइम रिल्म, इसमें हमको ग्रेटिना को हराना है। जैसे जैसे हम उसको हराएंगे उतना उतना हमारा फ्लोर बढ़ेगा और हमें बहुत सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने दो फ्लोर को क्लियर किया था, अब हम थर्ड फ्लोर पर हैं। और थर्ड फ्लोर का ग्रेटिना थोड़ा सा पावरफुल था, इसके लिए हमने अपने पोकेमोन के थोड़ी सी सीपी बढ़ा दी है और आ चुके हैं इसको फिर से हराने के लिए। अब देखते हैं हम इसको हरा सकते हैं कि नहीं इस गेम में। अगर नहीं हरा पाए तो हमें फिर एक न्यू पोकेमोन को समन करना पड़ेगा जो हमारी हेल्प करेगा गिरिटिना को हराने के लिए। और जिस जिसने भी दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे इस वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे कि मेरे डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो अभी दोस्तों बहुत ही इंटेंस मुकाबला हो चुका है, क्योंकि सामने वाले पोकेमोन को भाई कितना भी मारो कुछ हो नहीं रहा उनको। मैं अपना पूरा ट्राई कर रहा हूँ। डियाला का वो टापू कोको पे बहुत ज़्यादा असर करता है, इसलिए मैं उस पर वो ही यूज़ कर रहा हूँ। और गिरिटी ने डार्क टाइप पोकेमोन पर डार्क टाइप मूव ज़्यादा असर करते हैं, पर डार्क टाइप पोकेमोन सिर्फ दो है, गिरिटीना और है मेरे पास डार्क राय बस। पर एक गिरिटीना तो वही हर बार मेरे पोकेमोन को किडनैप करके लेकर चला जाता है अपने साथ कहीं दूसरी दुनिया में, फिर वहां पे जाके मारता है कुछ गंदा वाला। मैंने अपने ग्रिटेनर को बुला लिया है, मैं अभी अटैक करने वाला हूँ डियालग पे, क्योंकि उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा बची है, ले मैंने इसको किडनैप कर लिया। चलो भाई, अभी ये यूज़ नहीं कर पाएगा अपना मूव एक टर्न के लिए। मैं फिर से इसके ऊपर वही यूज़ करूँगा, फिर से किडनैप किया, फिर से मारो। अब हम मिलके इसको बहुत मारेंगे, तीनों मिलके मारेंगे इसको। चलो भाई, ये तो मर गया। अब फटाफट स्वीप करके मैं फिर से आ चुका हूँ दूसरे डीगल, मतलब फिर से मैं नेक्स्ट फ्लोर पे आ चुका हूँ। फिर से गिरिटीना अभी मुझे मिला, अब देखते हैं इसको हरा सकते हैं कि नहीं। थोड़ा सा पावरफुल है हमारे से, पर कोई बात नहीं, हम इसको हराने का पूरा के पूरा कोशिश करने वाले हैं। यार ये मेरे पोकेमोन को किडनैप क्यों कर लेता है यार, जब देखो किडनैप कर लेगा मेरे पोकेमोन्स को। एक तो मेरा शाइनी डाक रहा है बेचारा, मर गया भाई मर गया, हथौड़ा और वो मारा मर गया, वो चिपक पापड़ बना दिया उसका, पापड़ मेरे डाकरा का पापड़ बना दिया इन लोगों ने। कोई नहीं, मैं अपना ग्राउंड डाउन देख लेगा। ग्राउंड डाउन मार मार, ग्रिटिना को मार, सब लोग ग्रिटिना को मारो, मजा आ जाएगा एकदम। पर मैं डियाल का मुंह टापू कोको पे यूज करूंगा, क्योंकि वो थोड़ा बहुत मस्ती खो रहे, बहुत मार रहा है। अचानक टाइटन बन के मारता भाई, देखो अचानक टाइटन बन गया, लो मार दिया, पिचका दिया भाई, पिचका दिया मेरे पोकेमोन्स को। मुझे लगता नहीं ये राउंड हम जीत पाएंगे, तो भी हम अपना पूरा कोशिश करेंगे उनको हराने का। पर मेरे को तो भाई अपना अपना खुद का चांसेस बहुत कम लग रहा है हराने का, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है अभी। लो भाई हो गया मेरा किडनैप, रायकुजा किडनैप हो गया। यार कोई भी किसी को भी उठा के लेके जाता है गेम में, ये तो चीटिंग है भाई, ये तो बहुत बड़ी चीटिंग है। मैं भी किडनैप करूंगा इसको, मैंने सबको किडनैप कर लिया। अरे भाई इसका एक ही मूव काफ़ी था मेरे गिरिटिना को हराने के लिए। ये मैच तो हम हार गए दोस्तों, ये मैच हमसे नहीं जीत पाएंगे हम लोग, क्योंकि देखो उसका डियाल का भी दो तीन मूव्स किया मेरे ऊपर, मैं तो गया भाई, सस्ते सस्ते के भाव में गया मैं तो, मतलब 12 के भाव में जाने वाला हूँ, गया। हार गए दोस्तों हम लोग ये मैच, कोई बात नहीं, हम फिर से आएंगे और भी ज़्यादा स्ट्रांग होके, फिर इसको दिखाऊंगा मैं कि मैं क्या चीज हूँ। फटाफट कलेक्ट कर लेता हूँ इसको, चलते हैं समन करने के लिए। दोस्तों मैं तो समन करने वाला हूँ नया पोकेमोन, सोच रहा हूँ मैं क्या समन करूँ क्या करूँ। चलो कर लेता हूँ समन मैं इसको, मेगा गार्डचोम को हम समन करने वाले हैं अभी, देखते हैं हमको कितने टर्न्स में मिलेगा। ये मैंने डाला अंदर, ओ दोस्तों पहली पहली बार में मिल गया। अरे यार अभी तो गया भाई, पहली बार में मिल गया, कोई बात नहीं, हम लोग लगता है बहुत ज़्यादा लकी हो गए। ओ भाई देखो क्या नाच रहा, ओहो ओहो, लो भाई डांस, नाच बसंती नाच, एकदम मस्त डांस कर रहा था। अब फटाफट चलते हैं इसको हम लोग लेवल अप करने के लिए, ये हमारा बहुत हेल्प में आएगा। लेवल 2 का इसका नेचर भी स्ट्रांग है, मतलब ये पहले से हमें लेवल 2 का मिला है इसका नेचर, मतलब एडवांस नेचर इसका 2 लेवल का ही। देखो दोस्तों कितने फटाफट में कितने स्पीड से इसको लेवल अप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको बनाना स्ट्रांग, क्योंकि यही हमारी हेल्प करने वाला है अभी। ग्रिटिना
जिरेटिना को हराने के लिए। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी बहुत भी हेल्प हो जाएगी तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसको मैंने एकदम मस्त वाला दिया है टीएम। अब मैं इसको दूंगा हेल्थ आइटम्स बहुत सारी, जो भी मैंने जीती है रिवॉर्ड में आई, भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ये सब। मैं इसको देने वाला हूँ, गोल्ड खरीदता हूँ क्योंकि अपग्रेड के लिए पैसे नहीं है। फिर से मैंने अपग्रेड किया इसको फटाफट, एकदम एकदम तेज़ी से। आप लोग भी इसी तेज़ी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो। मैं स्टार्टअप करूँगा, ज़्यादा स्टार्टअप नहीं कर सकता मैं। लो भाई मैंने कर लिया इसको स्टार्टअप फटाफट, एकदम जितना स्पीड से होता था उतने स्पीड से मैंने स्टार्टअप कर लिया है। अब मैं इसका टैलेंट राउंड बढ़ाऊँगा थोड़ा सा, इतना बढ़ाऊँगा कि हेल्प कर सके मेरी ये बैटल में। ज़्यादा पॉकीमोन्स है नहीं मेरे पास, और मैंने इसको बुक्स से भी अपग्रेड करने वाला हूँ। लो दोस्तों मैंने इसको कर लिया अपग्रेड बुक्स से भी, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे टैलेंट इसका। बहुत टैलेंटेड है ना हमारा मतलब गार्ड चॉप मेगा वाला, तो और टैलेंट बढ़ाते हैं इसका थोड़ा सा। हो गया, चलो दोस्तों अब चलते हैं गिरिटीना की तरफ, फटाफट जाके उसको मार के आएंगे और दिखा देंगे हम लोग क्या चीज़ के बने हुए हैं। तो मैं चल रहा हूँ सीधा उसके पास। अरे यहाँ पे नहीं आना था यार, चलो स्पेस टाइम रियल में। अब मैं जाके बताऊँगा इसको कि क्या होता है मेरे से पंगा लेने का नतीजा। और दोस्तों अगर आपने कोई बैटल एक बार चालू की है तो वो एक ही घंटा है आपके पास उसको हराने के लिए, उसके बाद वो फिर से रीसेट हो जाएगा। अब आ जा बच्चे तू, अब आ जा। अब मैंने अपने साथ गार्ड चॉप को लेके आया हूँ, मेगा गार्ड चॉप। उसकी है सीपी 1400 कुछ है, पर कोई बात नहीं, बस हो गया इतना भी। हमको तो बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए एक्स्ट्रा सीपी की, जिससे हम इसको बहुत गंदे वाला मार सके। दोस्तों वो लोग गिरिटीना बहुत मजबूत है क्योंकि इनके पास स्टार्टिंग से ही तीनों पोकेमोन के पास दो दो स्पेशल मूव यूज़ करने की पावर होती है, जो कि हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास भी स्पेशल पावर होती दो दो बार यूज़ करने की, तो भाई हम भी स्टार्टिंग से इनकी पेलना चालू कर देंगे इनको, पर ऐसा इस गेम में चीटिंग होता है। मैंने अभी क्या आप भी मतलब मैंने इसी गेम में 1 लाख सीपी अपना बढ़ाया है, 2 से 3 लाख किया है मैंने। तो 3 लाख होने के बाद भी मेरे पोकेमोन इतना स्ट्रांग नहीं है। गोल्ड की आपने देखा होगा मेरे गोल्ड की कमी पड़ जाती है हर बार, पर कोई बात नहीं, हम और गोल्ड बाय करते रहेंगे हर रोज। ले भाई ग्राउंड डाउन मारो, 3 पॉकीमोन है मेरे पास, अभी 2 हो गए, कोई बात नहीं। अरे यार अभी कोई नहीं है हमारे पास पॉकीमोन्स है हमारे पास, जीत जाएंगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम जीतेंगे ये मैच। जा मेरा शेर, मेरा गार्ड चॉप, जा मार दे इसको, ख़त्म कर दे, छोड़ना नहीं इनको। मारो मारो, जा गार्ड चॉप, जा गो गो माय सन। अरे यार ये मरने का नाम ही नहीं ले रहे यार, कितना मारो इनको, मरने का नाम ही नहीं ले रहे। कोई बात नहीं, ये हम जीत चुके हैं मैच, ये मैच दोस्तों हम जीत चुके हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए मेरा चैनल, बाय बाय एंड टेक केयर।